उधर सियाहती मुकाम गुलमर्ग के दिलकश नजारों को देखने के लिए सयाह अब हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, हेलीकॉप्टर के जरिए सयाह अब अफरोट की पहाड़ी से लेकर के सनशाइन पीक तक की सैर कर सकते हैं। मुकामी इंतजामिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एविएशन मिनिस्ट्री के बाहमी तआवुन के साथ ये शुरू की गई है। इस सर्विस को लेकर के सयाहों में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। निचले इलाके में बर्फबारी न होने के सबब बाहरी सूबों से आने वाले सयाह और मुकामी लोग हेलीकॉप्टर की सर्विस के जरिए बालाई इलाकों में पहाड़ी बर्फबारी का मजा ले सकते हैं और लुत्फंदोज हो भी रहे हैं। आमतौर पर इन दिनों में गुलमर्ग आने वाले सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गंडोला का सहारा लिया करते थे, लेकिन इस दफा बर्फबारी न होने की वजह से उन्हें काफी मायूसी हुई है। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस से सयाहों को काफी राहत मिली है। बता दें कि अफरोट की पहाड़ी जो सिलसिला है वो समुद्र की सतह से तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यह वजह कि यहाँ पे बर्फबारी है और बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है पहाड़ियों पर। सयाहों का कहना है कि स्कीइंग के शौकीन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुफीद साबित हो सकती है। Thanks for coming here and showing the tourists, like we are running a heli-ski operation in Gulmarg, and it's also for our local tourists which can fly to Sunshine and enjoy their holidays here in it's like a Jannat Valley there full of snow, and we have almost 2 meters of snow, and is saal barf ki kami ki wajah se Gulmarg mein abhi valley mein down विलेज में स्नो नहीं है और जो हमारे टूरिस्ट जो आते हैं विंटर के लिए और दे वांट टू एंजॉय लाइक मोस्टली वॉक इन स्नो फील्ड्स एंड अप नाउ वी हैड प्रोवाइडेड दिस सर्विस एंड दिस सर्विस entertains our tourism industry here in Gulmarg, and we have now huge demand for our local tourists. They want to go to Sunshine Mountain. It's a new destination which is very clean, full of snow, and almost 2 meters of snow we have presently there. The government ne ye suvidha di hai, इससे लोग ऊपर तक जाएंगे, सारे साइट सीन करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये गवर्नमेंट का थैंक यू, ये लोगों को आना चाहिए और इसका फ़ायदा लेना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। इस बार थोड़ा सा कम है आइस, अब वो तो वेदर के हिसाब से उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना कम है ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है, वेदर ठीक है, ठंडा है, बहुत अच्छा लगा। पर आइस थोड़ी कम है, इतना जितना उम्मीद लेके आए थे उतनी नहीं दिख रही, पर अच्छा है, वेदर अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक नई राइडिंग हम लोगों को मिली है, हाँ एंजॉय करेंगे इसे भी, बहुत बढ़िया आपने चालू किया। आइस और ऊपर तक देख के आएंगे, अभी हम सेकेंड चुन में नहीं जा पाए तो हेलीकॉप्टर से चाह रहे हैं कि ऊपर तक देख के आए। अच्छी यहाँ पर बात है क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आया है, जो टूरिस्टों का ख्वाब होता था हम सनशाइन पीक पे जाए, तो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन आया है। यहाँ पर हमारे पास हेलीकॉप्टर आया है जो कि टूरिस्ट को यहाँ से उठा के सनशाइन पे ड्रॉप करता है। वहाँ बहुत ही बर्फ़ है और मेन चीज़ जो है यहाँ पर इस साल बॉल में जो है बर्फ़ नहीं पड़ा है, इसकी वजह से अब टूरिस्ट जब बहुत ही खुश है प्रायर के भी, और हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि समर टाइम में हम ट्रैकिंग पे जाते थे, वहाँ पर कोई ऐसा जगह नहीं था क्योंकि हम सामान इतना टूरिस्टों का लाद के जा सकते थे। अब हम चाहते हैं कि समर टाइम में भी ये यहाँ पर ही रहना चाहिए और टूरिस्ट इसका भरपूर आनंद ले। सीधा रुख करेंगे बारामूला का, कमांड मैन आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई है, तफसीला चाहेंगे इस हवाले से। बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर जो है कई दिन पहले हमें देखा था कि भारी संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक आए थे, कहीं ना कहीं वो यहाँ की वेदर और यहाँ का जो मौसमी सूर्य इसका आनंद लेते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात आती है, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग जो है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल सिटी डेस्टिनेशन जिसे कहा जाता है, लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि इस विंटर में जो है हैरानकुन कर देने वाली मौसमी सूर्यताल बनी हुई है। तो यहाँ पर ड्राइनेस की वजह से जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें जो है काफी ज्यादा मायूसी यहाँ पर गुलमर्ग के अंदर जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे हम गुलमर्ग बाउल की बात करके यहाँ पर बर्फबारी ना होने के बराबर है, लेकिन जब अफरवट सनशाइन पीक पेजन पस्ती खिलनमर्ग ऊपरी जो अपर एरियाज गुलमर्ग के यहाँ की बात आती है, वहाँ पर करीबन 2 से 2.5 फीट तक ताजा बर्फ जो है इस वक्त मौजूद है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि यहाँ पर जो हेली-स्की का कंसेप्ट है वो साल 2011 में
कश्मीर हेलीसिकी के नाम से यहाँ पर लगाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि विंटर्स में जब भी यहाँ पर बर्फबारी होती थी, जो इंटरनेशनल स्कीयर्स आ रहे थे या यहाँ के जो मकामी टूरिस्ट आते थे, जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, स्कीयर्स आए थे, कहीं ना कहीं वो इस जो हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पर जो शुरू कर दी है, इसका वो भरपूर आनंद लेते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि बर्फबारी ना होने की वजह से जिन सयाहों को मायूसी का सामना करना पड़ा था गुलमर्ग के अंदर, अब यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, हम ये कहेंगे कि यहाँ का जो एक नौजवान है जिसे अब्दुल मजीद बख्शी के नाम से जाना जाता है, जो खुद एक इंटरनेशनल स्कीयर है और वो कई यूरोपियन कंट्रीज में जाकर भी उन्होंने अपना लोहा जो है मनवाया है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने गुलमर्ग के अंदर जो है हेलीकॉप्टर सर्विस जो महकमे सयात और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुश्तर का इश्तराक, उन्होंने यहाँ पर जो है एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है किराए पर लिया हुआ है। तो वो बाजार तौर यहाँ पर सयाहों को इन चोटियों का जो है इन पहाड़ों बर्फीली पहाड़ियों का सैर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि दो दिन पहले ये सर्विस गुलमर्ग के अंदर शुरू हुई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड सयाहों की बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस दिन से मैंने कहा कि गुलमर्ग बाउल की बात करें वहाँ पर बर्फबारी ना मौजूद है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे थे उन्हें काफी मायूसी जो है वो हाथ लगती। लेकिन जब से ये हेलीकॉप्टर शुरू सर्विस यहाँ पर शुरू हो चुकी है तो उसके बाद हमने देखा कि बारिश संख्या में जो यहाँ पर पर्यटक गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं, न सिर्फ वहाँ पर गंडोला राइड का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पर शुरू कर दी गई है इसका आनंद लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज हमने बाजाबत और ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश की और यहाँ पर जो अब्दुल मजीद बख्शी जिन्होंने इनिशिएटिव गुलमर्ग के अंदर लिया है, न सिर्फ यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर सर्विस से यहाँ पर सयाहत में इजाफा देखने को मिला, बल्कि करीबन 40 के करीब जो यहाँ के मकामी नौजवान हैं इन्हें इस हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए रोजगार भी जो है वो फराहम किया गया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है टूरिज्म के लिहाज से अगर हम मानी जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम देख रहे हैं कि 2011 में इस हेलीसिकी की गुलमर्ग में जो है शुरुआत की गई थी, तब से आज तक चूंकि 12 साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर हेलीसिकी ने काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म में जो है यहाँ पर बूस्ट किया है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब न सिर्फ सयाहत में इजाफा देखने को मिला, बल्कि जो मकामी मालिक से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि इनिशिएटिव इस बार इसलिए लिया गया क्योंकि गुलमर्ग में जो है गुलमर्ग के जो निचले मैदान है वहाँ पर उतनी बर्फबारी मौजूद न थी, तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये सर्विस यहाँ पर शुरू की और एक अच्छी खासी अट्रैक्शन सयाह के लिहाज से इस वक्त हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो वहाँ पर मानी जाए। क्योंकि अगर हम कहेंगे जॉय राइड के हवाले से यहाँ पर 7,500 रुपया एक पर्सन को इस हेलीकॉप्टर जॉय में ले सकते, इस सवारी कर सकते, वही अगर हम जो सनशाइन पिक एंड ड्रॉप है वहाँ पर इनकी रेट जो है वो 13,500 जो है पर पर्सन रखी गई है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव, अच्छी खासी डिमांड अब सयाह यहाँ पर बढ़ने लगी है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब्दुल मजीद बख्शी की तरफ से यह पहल यहाँ पर गुलमर्ग के अंदर शुरू की गई, क्योंकि इसमें बाजाबत तौर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स खासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें काफी ज्यादा कॉपरेट है। सिविल एविएशन की बात करेंगे या जिस तरह से महकमे सयाह गुलमर्ग अथॉरिटी ने जो है एक अच्छा एफर्ट इसे दिया, तो उसके बाद ही इन्होंने जो है सर्विस यहाँ पर चालू कर दी गई। न सिर्फ यहाँ पर जो है यहाँ पर सयाहत में इजाफा देखने को मिला बल्कि रोजगार के वसाइल भी सवाल यहाँ पर देखने को। अब आने वाले दिनों में उम्मीदें की जाती है कि अगर वादी कश्मीर के अंदर यहाँ पर मौसम में बेहतरी तब्दीली आती है, मौसम में जो है बर्फबारी के आसार गुलमर्ग के अंदर या जितने भी यहाँ पर पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इससे मजीद सयाहत में इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से हम हेलीकॉप्टर सर्विस की बात करेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि पिछले 12 सालों से गुलमर्ग के अंदर जो है चली आ रही है, तो इस हवाले से जो अब्दुल मजीद बख्शी इनका हमेशा से यही प्यार रहता है, क्योंकि जो फॉरनर सिक्योर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस सर्विस को पसंद करते हैं, ज़्यादातर इसे लाइक करते हैं, तभी जाके वो सिकिंग के लिए जो यहाँ की ऊंची पहाड़ी है, चाहे हम सनशाइन पी की बात करेंगे, पैजन पथरी की बात करेंगे, खिलनमर्ग की बात करेंगे या खुद अफरवट टॉप की बात करेंगे, वो इसी सर्विस से जाके यहाँ पर जाते हैं, फिर वो इन पहाड़ियों पर जो है सिकी करते हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा कि हैरानकुन कर देने वाली जो मौसमी सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है, इससे थोड़ा बहुत यहाँ पर सयाहत में काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ होटलर्स का यह भी कहना है कि कुछ बुकिंग जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में अगर ये देखा गया कि मौसम में तब्दीली आई, यहाँ पर बर्फबारी हुई, तो मजीद सयाहत में इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है और इस हेलीकॉप्टर सर्विस की डिमांड जो है मजीद इस हवाले से बढ़ सकती है। ताहम बेहद यहाँ पर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, चूँकि जो यहाँ के गाइड हजरात हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो एक बार फिर उनका कहना है कि इस सर्विस से न सिर्फ यहाँ पर सेहत में इजाफा मिला है बल्कि हमें मजीद रोजगार के वसायल जो है वो गुलमर्ग के अंदर जो है वो मिले हैं। तो आने वाले दिन में हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर बारिश या बर्फबारी हो ताकि यहाँ पर मजीद सेहत में चार चांद लग सके और इन सर्विस का विंटर सपोर्ट का यहाँ पर जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो इनका यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर जो है वो आ सके। जी
बिल्कुल, ये भी समझेंगे आदिल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ सर्विसेज खिदमत शुरू की गई है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सर्विसेज कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे इसकी बुकिंग होगी, और अगर इसके ज़रिए जो पहाड़ की चोटियाँ सनशाइन वगैरह आपने बताया वहाँ पर अगर पहुँचाया जाएगा तो क्या ये एक तरफा सर्विस होगी या वहाँ से लाने की भी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए क्या ड्यूरेशन वगैरह क्या तय किया गया है, ये सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हम हेलीसिकी जो हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पर शुरू कर दी गई है, बाजबत तो गुलमर्ग बल्क से बाजबत तो शुरू होते हैं, जहाँ पर हेलीपैड जो है एक काउंटर वहाँ पर इनका बना हुआ है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुलमर्ग बाउल से लेकर हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर कोई जॉय राइड करना चाहता है, जॉय राइड में सिर्फ उसे दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए चोटियों का जो है यहाँ पर जो है वो दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो हम ये कहेंगे कि उसमें 7,500 रुपये जो पर पर्सन को यहाँ पर देने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से सनशाइन पीक की आपने बात की, जब हम सनशाइन पीक की बात, चूंकि एक ऐसी चोटी जो अफरवट से भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर देखने को मिलती है, अगर वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के हवाले से जिस तरह से मैंने कहा कि पिक एंड ड्रॉप पर जो है 13,500 पर पर्सन का यहाँ पर बाजबत रेट जो है वो रखा गया है। तो जिस तरह से हमने देखा कि आज यहाँ पर बाजबत तौर जो है एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर काउंटर जो है हेलीसिकी की तरफ से गुलमर्ग के अंदर वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बाजबत तौर पर जो है जो भी पैसेंजर इसमें जाना चाहता है, जो भी टूरिस्ट या सिकर इसमें जाना चाहता है, उसे बाजबत तौर पर वेट जो है वो चेक किया जाता है काउंटर पर, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनकी एज लिखी जाती है, उनका बाजबत तौर बायोडाटा लिया जाता है, उसके बाद में एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद इन्हें बाजार तो जो है इस हेलीकॉप्टर सर्विस का जो है फायदा जो है वो मिल सकता है, और इसके बाद इन्हें जो है सवारी करने की इजाजत जो है वो दी जाती है। तो अगर हम इस हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, इसमें कुल पायलट से लेकर जो है चार गाइड से लेकर जो है कुल 5 आदमी जो है इसमें बैठ सकते हैं और बाजार तौर जो है इस हेलीकॉप्टर सर्विस का जो है आनंद लेते हैं। तो जिस तरह से हम कहेंगे अगर कोई यहाँ पर गुमक बाउल से लेकर सनशाइन पीक तक पिक एंड ड्रॉप करना चाहता है, वो वहाँ पर जाता है, स्कीइंग करना चाहता है, उसकी ड्यूरेशन जो है 2 से 2.5 घंटे तक रखी गई है, जिसमें 13,500 रुपये इन्हें जो है अदा करना पड़ेगा। वही अगर कोई सयाह या कोई स्कैर ये भी जॉय राइड करना चाहता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं वो 10 से 15 मिनट तक जॉय राइड कर सकता है, उसमें उसे 7,500 रुपया का जो है पर पर्सन यहाँ पर जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी खिदमत यहाँ पर सयाहों के लिए, आम लोगों के, लोकल टूरिस्ट के लिए, फॉरन टूरिस्ट के लिए रखी गई है। तो अब आने वाले दिनों में इसकी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है, इसकी डिमांड जो है आने वाले दिनों में इसको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जरूरत भी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आदिल तमाम बेशकीमती मालूमात के लिए।